अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं कीमे के समोसे। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल समोसे बनाएंगे हम। और ये जो समोसा शीट है, ये मैंने खुद होममेड बनाई है घर पर, तो बहुत ही टेस्टी से ये समोसे बनकर रेडी हुए। तो चलिए देखते हैं इस समोसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कीमे को ऐड करेंगे। कीमा मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। नमक डालकर मैंने इसको गला लिया था कीमे को, तो इसको तेल में हम सिर्फ भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो हल्का सा सॉटे कर लिया है मैंने कीमे को। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक भूनेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटा हुआ 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट कम ही डाला है मैंने, क्योंकि जब मैंने बॉईल किया था कीमे को तभी भी मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है। बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके लिया है, स्प्रिंग अनियन लिया है, 2 हरी मिर्चें कट करके ली है और हरा धनिया लिया है चॉप करके। इसमें प्याज ज़्यादा जाती है तो ज़्यादा प्याज ऐड कीजिएगा इसमें। तो सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद अब हम इसको सॉटे कर लेंगे। ज़्यादा प्याज को गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है मैंने। फिलिंग बनकर रेडी है। ये मैंने मैदा ले लिया है 1 टेबल स्पून, इसमें पानी डालेंगे और इसकी स्लरी बना लेंगे जिससे हम शीट्स को चिपकाएंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये देखिए मैंने स्लरी बनाकर रेडी कर ली है। ये फीलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये होममेड शीट्स है, मैंने खुद बनाई है। तो समोसा शीट्स ले लेंगे सबसे पहले, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें फिलिंग डाल देंगे जो हमने बनाई है कीमे की। फिलिंग अगर आपको कम डालनी है तो कम डालें, ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डालें। तो इस तरीके से फिलिंग डालने के बाद अब हम इसको चिपका लेंगे। जो हमने स्लरी बनाई थी आटे की, वो हम लगा लेंगे ब्रश की हेल्प से। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी, वो भी फ्री में। तो इस तरीके से इसको पैक कर देना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा समोसा बनकर रेडी हुआ है, कहीं से ना टूटा है ना बिखरा है, शेप भी काफ़ी अच्छा आया है माशाल्लाह इसका। तो सेकेंड वाला भी इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना और इफ्तार के लिए बहुत ही, समोसे वगैरह हम बनाते ही हैं तो बहुत सही रेसिपी है इफ्तार के लिए। आप बनाकर एंजॉय करिए, खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। तो ये देखिए सेकेंड वाली भी हमने बना ली है, इसमें भी फीलिंग फील कर देंगे। जो हमने स्लरी बनाई थी उसको लगा देना है, सेम जैसे पहले हमने किया था उसी तरीके से इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेकेंड वाला भी हमारा बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सारे समोसों को बना लेंगे। तो सारे समोसे मैंने बना लिए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शेप आए हैं इनके। इस वक्त आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, एक एक करके समोसे ऐड कर देंगे ऑयल में और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे।
गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो समोसे हमारे सारे फ्राई होकर रेडी है, इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के हमारे कीमे के समोसे बनकर रेडी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।